श्री सुनील बाबूराव मेढे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान महाराष्ट्र में हो रहे हैं मनरेगा के काम में जो अनुचित प्रकार है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, करीब करीब 800 करोड़ रुपए की राशि अभी तक के मनरेगा की जो खर्च नहीं हुई है वो उन्हें स्किल काम के ऊपर खर्च करनी है, आवंटित करनी है। मगर जहां तक वो लोग स्थानिक एमएलए को विश्वास में रखते हुए बिना ग्राम पंचायत के ध्यान में लाते हुए डायरेक्टली सभी काम महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय की ओर से एक यादी निकालती है और जो एमएलए उनको चाहते हैं उन लोगों को डायरेक्ट वो काम दिए जाते हैं जो अनुचित प्रक्रिया का पालन है। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक के जितने भी पैसे 800 करोड़ को भेजे गए हैं उसमें से 25 करोड़ रुपए मेरे जिले में आवंटित हुए हैं, जिन्हें डायरेक्ट बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए डायरेक्टली आवंटित हुए हैं। मुझे इसके बारे में आपसे विनंती है कि यह पैसा गलत इस्तेमाल होने की आशंका है, इसलिए आदरणीय मंत्रालय से मैं अनुरोध करता हूं कि इसका जो आवंटित है वो रद्द किया जाए और जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से आना चाहिए, उस तरह से ही वो पैसा आवंटित किया जाए। आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।